आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सपना मनोहर में। सो फाइनली बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि राजपूती शादी की जो रस्म और रिवाज हो उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, मैं अपनी शादी की वीडियो डालूं। सो मैं एक एक रस्म का पर्टिकुलर एक एक वीडियो डाल रही हूं और आप लोग इसको प्लीज इंजॉय करें। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने रिलेटिव के साथ में शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले अगर आपने नहीं किया, तो ताकि कोई भी नया वीडियो डालो तो फटाफट आपको पता लग जाए। सो आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूं पडला रस्म से। ये लड़के के घर से लड़की के घर पे आता है, सामिला के फंक्शन से पहले आता है, पहले होता है ये। सो वीडियो को देखो और आपको पता चलेगा कि पडला जो रस्म होती है वो क्या होती है, कैसे होती है। पडला जो रस्म होती है वो सामिला से पहले होती है और ये लड़के के घर से लड़की के घर पे आता है। इसमें लड़की के लिए सारा सामान होता है, शगुन का पहनने के लिए फेरों की बरी होती है और गहना होता है जिसमें आड़ और चूड़ा मुख्य होता है। तो ये सामान लड़के के घर पे सजाया जाता है और उसके बाद में आजकल बहुत तरीके से इनको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है और उसके बाद में लड़की के घर पे ही लेके आया जाता है। इसमें जो पोशाकें होती है, साड़ी होती है, वो 7, 11, 21, 51 इस तरीके से होती है और आप अपनी क्षमता के अनुसार ज़्यादा भी कर सकते हैं, बस नंबर इसके अंदर हमेशा ओड होता है। और इसके अलावा शगुन का इसमें काफ़ी सारा सामान होता है पोशाकों के साथ। इनके अंदर स्पेशली नारियल, मूली, मेहंदी, गुड़, पताशे, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट, इलायची, सुपारी, लौंग, सुहागपुरा, ये सब सामान भी इसके अंदर होता है। और आजकल मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर तरीके से पडले के सामान को सजा के दिया जाता है। पडले को देखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है लड़की के घर पे और इस तरीके से देखिए इनको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है और पडला आने के बाद भी ही लड़की तैयार होती है राजपूती शादी के अंदर। पहले लड़की तैयार नहीं होती है, जब फेरों की बरी आ जाती है, आड़ आ जाती है, चूड़ा आ जाता है, उसके बाद में लड़की तैयार होती है। पडले में बरी के साथ में गठजोड़ा, सफ़ेद पर्दा, बिनोटा, चोटी, चूड़ा ये भी आता है और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स ये भी आते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ या ज़्यादा रख सकते हैं। इनके अंदर जो थाल होते हैं वो लड़की के घर से ही लिए जाते हैं, जितने आप सामान लेके आए हैं उतने ही थाल होते हैं। आजकल ये थाल भी बहुत सुंदर डेकोरेट आने लग गए हैं। आप ये सुंदर कलरफुल जो पन्नियाँ होती हैं ये लगा सकते हैं, ये जो पेपर आते हैं इनको रख सकते हैं। और मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना चुकी हूँ कि पडले की थाल को डेकोरेट करने के लिए आप कपड़े कैसे बनवा सकते हैं, सुंदर वो आप वीडियो देख लेना, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है। और पडले की जो सामान होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा जो सामान होता है वो लड़की के घर से लिया जाता है, तो उसको 1.25 साल घर पे रखा जाता है, उसे हम सीख कहते हैं। जो भी मेन सामान होता है, पुदीना, धनिया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उन सब सामानों में से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया जाता है लड़की के घर पे और ये काफ़ी शुभ होता है। इसे 1.25 साल रखना चाहिए और बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले के ज़माने में जो पडला आता है लड़की के घर से, उसको देख के लड़की के घर के सामर्थ्य का पता लगाया जाता था। और ये देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है पडले को देखने का। पडले में से जो सामान निकाला जाता है उसके बाद में आप अपनी इच्छा से उसके अंदर कुछ पैसे रख सकते हैं, जो आपने सामान निकाला है उसके बदले में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आपको रखना होता है। तो ये थी पडले की रस्म, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और भी किसी रस्म में आपको चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।